हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर सेकंड दैट इज रिलेशनल फंक्शन। सबसे पहले हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशनल फंक्शन पर हम इस चैप्टर के अंदर थ्री टर्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी रिलेशन है या फंक्शन है वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आते हैं। तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल स्टूडेंट्स है क्या वो देखते हैं। जैसे मान लो एक ए एलिमेंट है, इसके अंदर एक सेट है, इसके एलिमेंट 1, 2, 3 और बी सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है 4 और 5। मुझे इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फिर बी सेट का एलिमेंट आएगा, फिर ए सेट का एलिमेंट आएगा, फिर बी सेट का एलिमेंट आएगा, फिर ए सेट का एलिमेंट आएगा, फिर बी का आएगा, फिर ए का आएगा, फिर बी का आएगा। ऐसे 3, 4 एंड 3 एंड 5 इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का आएगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड का आएगा। आजकल तो इस मेथड से की जाती है। कुछ टाइम पहले हम क्या मेथड दिखाते थे, जैसे ये हो गया एक कितना ले लिया 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 एक्स एक्स और एक्स का एलिमेंट ले लिए, फिर हमने लिया 4 और 5 इसको ले लिया वाई एक्सिस पे 4 और 5। तो मैं इसकी प्रोडक्ट करने के आया हूं। 1 की प्रोडक्ट ऐसे नहीं हो कर देंगे एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी। तो 1 की प्रोडक्ट 4 के साथ होगी तो क्या आएगा 1, 4। फिर 1 की 5 के साथ 1, 5। फिर 2 की 4 के साथ 2, 4। 2, 5। 3, 4 एंड 3, 5। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कैसे हमने पहले ऐसे किया थे, पर आज के इस मेथड से किया थे, हम आगे इसको इस मेथड से करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट। आप इसके अंदर देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। तो उससे क्या पता लगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बिलोंग्स टू ए। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, ए से। एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बिलोंग्स टू बी। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, बी से। फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे किसी भी दो सेट की। तो हमने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस है वो हम डिस्कस करते हैं। ये स्टॉप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसकी ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे। ओके,